नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 78 इंडिया न्यूज। आज आपके सामने लाइव बातचीत करता हूं भाजपा के कानपुर देहात के जिला मंत्री कृष्ण प्रताप सिंह सेंगर से। कृष्ण कुमार जी, इस समय जो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आज 11 जिलों की 58 विधानसभा को जो भाजपा के चुनाव हुए हैं उस पे आशा करते हैं कि जनता ने इस बार भी भाजपा पर भरोसा जताया होगा। लेकिन फिर भी आज करंट अपडेट जानने के लिए आपसे लाइव बात करने के लिए आए हैं। यूपी 78 इंडिया न्यूज पे आपका स्वागत है। इस बार आपको क्या लगा कि जो जनता है उत्तर प्रदेश की वो योगी जी के कार्यों से कितनी संतुष्ट रही आपको? जैसा कि अभी आपने शायद टेलीविजन में भी देखा होगा कि जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी हैं वो इस समय योगी जी को कह रहे हैं कि योगी जी का सुपड़ा साफ हो गया उत्तर प्रदेश में, तो इस तंज पे आपको क्या कहना है? तो आपको क्या लगता है इस समय जो ममता बनर्जी आई हुई पश्चिम बंगाल की सबसे कट्टर मुख्यमंत्री, वो आई हुई अखिलेश जी के सपोर्ट में, तो आज सुबह से ही या जब से वो आई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर तब से लगातार ममता जी बीजेपी सरकार और योगी जी को निशाने पे ले हुई हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि आपने जैसे सुना होगा उनके बयान को, क्योंकि रैली के दौरान उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और उनको लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है तो देश से भी यानी केंद्र से भी उनकी सरकार चली जाएगी। क्या आप उनकी बात से कहां तक सहमत है? देखिए, 2014 में जो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी तब हमने केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी और देश उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। भरोसा के पूरी तरीके से जो हमारा संकल्प पत्र था जो हमने वादे किए थे 2017 में वो हमने उत्तर प्रदेश में पूरे किए और दूसरा हमारा संकल्प पत्र आया है उसको भी हम 2022 से लेकर के 2027 में पूरा करेंगे। अखिलेश जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि अखिलेश जी, आप जो अपनी साइकिल है उसको नोवाइस में रख दीजिए और 2027 में दोबारा कोशिश करिएगा, आपकी साइकिल पूरी तरीके से दुरुस्त हो गई है। यानी आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनता इस बार भी फिर से बीजेपी भरोसा दिलाएगी और फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा? बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किया, गांव गरीब मजदूर किसान युवा के लिए जो काम किया, तो गांव को लेकर के हम गांव के लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग जब जनता के बीच जाते हैं तो वहां से
जो चीजें निकल के आ रही हैं कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने जा रही है। इस समय जो आपने देखा होगा कि प्रदेश में जो राशन वगैरह बांटा गया है उसको लेकर भी विरोधी पार्टियों ने काफी उंगलियां उठाई हैं, काफी सवाल उठाए हैं कि जो भाजपा ने इस समय ये चुनावी टिकट को हासिल करने वो जो मतदान वोट की बैंक की राजनीति की गई है, क्या ये कहां तक सही लग रहा है आपको? देखिए विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी और सरकार के साथ में है। आपने देखा कि कोई ये मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं है, राशन कोई चुनावी राशन नहीं बांटा गया, ये राशन देश ही नहीं पूरी दुनिया में जब कोविड कॉल आया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक कोरोना वायरस की तरह, आप चाहे हाईवे पर हो या जिस तरीके से जहां जो सक्षम था उसने मदद की, और तब हमारी सरकार ने जो डबल इंजन की हमारी मोदी जी और योगी जी नेतृत्व की सरकार है उसने तब ऐलान किया था कोरोना काल में कि हम लोगों को जो गरीब लोग हैं जो प्रवासी मजदूर हैं उनको फ्री राशन और पैसे जो भी सहायता कर सकते हो करने का काम करेंगे, और उस तरीके से काम करें, हम कोई चुनावी माहौल में काम करने नहीं जा रहे। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल चुनाव लड़ती है, हमारा कार्यकर्ता पूरे 5 साल जनता के बीच रहता है, जनता के सुख और दुख में साथ खड़ा रहता है। तो यानी आपको लगता है कि इस समय जो अभी 2 साल से पिछला लॉकडाउन है उसका कोई भी खास फर्क योगी जी की प्रतिष्ठा पर नहीं पड़ेगा? देखिए जिस तरीके से जनता समझ चुकी है कि जो कोरोना काल आया उसमें माननीय योगी जी ने अपने जो पिता उनके जो पिताजी उसमें भगवान को प्यारे हो गए वहां पर ना जाकर के उत्तर प्रदेश का 25 करोड़ का जो परिवार था उस परिवार के साथ वो खड़े रहे, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि योगी जी के ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ, उनका पूरा उत्तर प्रदेश ही उनका पूरा परिवार है और माननीय योगी जी जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए पूरा जनता ने मन मना लिया कि 2022 में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। एक और आखिरी सवाल, आज का जो चुनाव रहा आज आपको क्या लगा कि पब्लिक का रुझान कैसा रहा और आपको क्या लगता है कि इस समय पश्चिम में कैसी हवा रही? देखिए सोशल मीडिया पर भी आपने कई वीडियोस देखे होंगे, मैं देख रहा था दोपहर में एक वीडियोस की लोग गए थे रालोद को वोट देने मन मना करके घर से, लेकिन जब ईवीएम के सामने पहुंचे तो उन्होंने कमल का बटन दबाने का काम किया है, तो और जनता पूरी तरीके से आप चाहे सोशल मीडिया पर देखिए मीडिया पर देखिए मीडिया प्लेटफॉर्म के जो सर्वेज हैं पूरी तरीके से हम स्वस्थ हैं और जनता जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारी सरकार 350 से अधिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से बनने जा रही है। चलिए अभी पहला चरण था चुनाव का और भी चरण बाकी हैं, आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी आए, और आपको बहुत बहुत बधाई, अभी से अग्रिम बधाई दे रहा हूँ, और यूपी 78 न्यूज में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।